ये सर PKLI है, जो है किडनी हॉस्पिटल। ये सारा फेज 6 है, ई ब्लॉक का 2 कनाल वाला एरिया, ये रोड के उस साइड पे। और सर ये यहाँ से एग्जिट होने लगा हूँ मैं, फिर मैं आपको ड्राइव पे दिखाता हूँ। ये सर हम यहाँ से एग्जिट होने लगे, तो ये देखिए, ये तो बड़ी रोड बनी हुई है, इसके साइडों पे नर्सिंग है। ये डिफेंस की रोड है सर, ये सामने बिल्कुल इलीट ट्रेनिंग सेंटर है सर, यहाँ से निकलते हैं बिल्कुल सामने इलीट ट्रेनिंग। ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है सर आप, ये यहाँ पे देखें सर, मैंने इसको मीटर को ज़ीरो करने लगा हूँ। ये सर ये मैंने ज़ीरो कर दिया सर यहाँ से इसको। अब हम यहाँ से सर लेफ्ट होते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट जाने लगे। ये इसके राइट पे सर सारी इलीट की जो ट्रेनिंग की दीवार है सर सारी, और हमारे लेफ्ट पे सारा फेज 6 है सर। ये नर्सरी बनी है सर, ये इलीट ट्रेनिंग सेंटर का ऑफिस है, इसके पीछे सारा फेज 6 का एरिया। और ये फेज 6 का एरिया सर, फेज 6 का ई ब्लॉक, ये टोटल एरिया जो है ना, यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट जो है ना वो 60 लाख रुपए का है सर, इस फेज 6 ई ब्लॉक में। ये देखिए, ये यहाँ पर 5 मरले का 60 लाख रुपए का प्लॉट है, ये अभी तक यहाँ पे फेज 6 DHA ही है सर। ये एलीट है सर सारा, और ये रोड की पोजीशन है सर, जो आप देख रहे हैं रोड, ट्रैफिक यहाँ पर रुकती नहीं है सर, ट्रैफिक चलती रहती है, सिंगल रोड है। और हाँ सर, एक बात मैं बता दूँ आपको, ये ना नवाज शरीफ के दौर में ना 150 फीट रोड जो है ना अप्रूव हो गई थी, फिर फंड जारी ना होने की वजह से इसको रोक दिया गया। अब PTI की गवर्नमेंट में ना सर, ये 150 फीट से कम करके ना सर 120 या 100 फुट कर दी गई है, वो अप्रूव हो गई है। अब इसको फंड जारी होने हैं तो सर ये किसी भी वक्त शुरू हो सकती है सर, मतलब इसका मैं टाइम नहीं आपको बताऊँगा कि 1 साल में 2 साल में, जैसे ही गवर्नमेंट वगैरह फ़ंड रिलीज़ करेंगी तो ये हो जाएगा सर। दरमियान में यहाँ पे कुछ शादी या पेरिस हॉल आते हैं, इलीट विलाज आते हैं जो इन्होंने बनाए हैं सर। ये सर मार्केट है छोटी सी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई पेंट की शॉप है, कुछ जनरल स्टोर बने हैं, कुछ फर्नीचर की शॉप होंगी, ये डिफरेंट यानी कि मिक्सअप जैसे मार्केट होती है। क्योंकि यहाँ पे सर मटेरियल की शॉप्स इसलिए ज़्यादा हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, ये इस वजह से है सर, ये गांव वालों ने बनाया है। ये वो नाले की पुली वाला चौक कहलाता है सर, ये थोड़ा सा बाजार टाइप बना हुआ है दोनों साइडों पे। यहाँ पे भी ट्रैफिक ऐसा नहीं, ट्रैफिक ब्लॉक होती है। ये देखें, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और बड़े स्टोर टाइप बने हैं सर इधर यहाँ पे ना। ये रूही नाला है सर, जहाँ से हमने क्रॉस करना है। रूही नाला क्रॉस जैसे ही हम करते हैं, हमारे राइट साइड पे आते हैं कंट्री होम्स, जो वो चौहान वालों के जो फार्म हाउसेज हैं, और लेफ्ट पे आती है बैंकर्स सोसाइटी, जो ये पंजाब बैंक की सोसाइटी है सर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंट्री होम्स है सर, ये कंट्री होम का गेट है ये वाला, और ये पंजाब एवेन्यू की है सर, ये बैंकर्स एवेन्यू। ये बड़ी अच्छी सोसाइटी है सर, इसके अंदर भी 10 मरले का रेट जो है वो 70-80 के करीब है, कनाल जो है वो 150 करोड़ के करीब है। ये सारा कंट्री होम है। अभी हम जा रहे हैं सर, नाला हमने क्रॉस कर लिया और अब हम उतर जा रहे हैं सर। यहाँ से जो है 2.3 किलोमीटर के फासले पे है सर वो ना, ये रोड आपके सामने हैं। आपको यहाँ पे भी छोटी सी मार्केट, पेंट वगैरह की शॉप्स नज़र आएंगी, पेंट है और एक जनरल स्टोर है, फिर नर्सरी से कुछ आ जाती हैं बीच में, ये फार्म हाउस बना हुआ है किसका प्राइवेट, ये पुरानी जगह होगी क्योंकि अब तो ये काफ़ी महंगी जगह है सर। इसी तरह यहाँ पे ये कुछ ऑफिसेज बने हैं, ये देखिए सर, रोड साफ़ सुथरी है, रोड टूटी भी नहीं है सर। ये ओवरऑल ना लाहौर ग्रीन से भी आगे तक, जहाँ तक ये बॉर्डर तक जा रही है, वो रोड आपको ऐसी ही कारपेट रोड मिलेगी सर। मार्केट भी साफ़ सुथरी है सर, कोई ऐसा नहीं है। ये PSO का पेट्रोल पंप आता है सर, ये काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है इस रोड पे, और जिसमें इसको लोग यूज़ करते हैं, इसको प्रॉपर पेट्रोल पंप क्रॉस करते हैं तो फिर ये कुछ फर्नीचर की शॉप्स आ जाती हैं,
मार्केट की। लोगों ने यहाँ पे बड़ा काम किया, वैसे फार्म लाइफ स्टॉक का फार्म भी बनाए हुए हैं लोगों ने अपने पर्सनल। ये काफ़ी ये जो मेन वाली जगह है ना सर, ये लोगों ने पुरानी ली हुई है, जब उस वक्त ये सस्ती हुआ करती थी। अभी आपके सामने सर जैसे ये मार्केट बनी है, अब तो ये जगह सारी कमर्शियल हो चुकी है मेन वाली सर, तो इस वजह से मेन पे जो है ना रेट बहुत ज़्यादा है। अभी मैं सर ये पूरी ओवरऑल वीडियो बना रहा हूँ। ये बीकन हाउस गार्डन आ जाते हैं सर, ये बीकन हाउस गार्डन इन्होंने बनाए हैं बीकन हाउस में। काफ़ी लोगों ने जिसने पुरानी जगह ली हुई है उन्होंने मेन पे भी सर बनाए हैं कुछ फार्म हाउसेस अपने लिए, तो वो इसी तरह चलते रहते हैं। ये वो जो बैरिया का प्रोजेक्ट है सर, वो ये वाला है, वो जो मैं आपको पहले बता रहा था सर, ये नॉट फॉर सेल है फिलहाल सर, ये नहीं निकलते सेल के लिए। अब देखिए सर यहाँ से हमें राइट होना है, ये वहाँ से लेकर यहाँ पर, यानी कि 6 मिनट बाद हम राइट हो रहे हैं सर। अब ये राइट होते हुए आप देख लें, ये टफ टाइल वाली बड़ी रोड है सर, दोनों साइडों पे दरख्त वगैरह भी लगे हैं इसके, और ये बड़ी खुली रोड है सर, साफ़ सुथरी रोड है और खुली रोड है। अब जहाँ पे ये एंड होगी ना सर, वहाँ पर वो फार्म्स हैं। मैं वीडियो को स्टॉप नहीं करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए सर। रिहाइश के लिए लोगों ने बनाए हुए हैं सर, यहाँ तक कहते हैं कि गैस पहुँची हुई है सर, ये मुझे वहाँ के मुलाजिम ने बताया है, यहाँ तक गैस आई हुई है सर। यहाँ किसी ने सर ये 10 मरले की ना, इसके अंदर 10 मरले की हाउसेस बना रहे हैं इसके लिए। अब यहाँ से देखें हमने राइट होना है, ये सर मैंने अभी वीडियो इसलिए पॉज की थी कि मैं उसके मुलाजिम से पूछ रहा था सीवरेज का निज़ाम, वो कहता है कि सीवरेज नहीं है यहाँ पे ना, लोगों ने अपने टैंक बनाए हैं, और वो कहते हैं कभी यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता, ज़मीन जो है वो पानी पी जाती है, या पानी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली खुद ही निकल जाता है सर। ये जो जगह शुरू से लेकर मैं दिखा रहा हूँ ना सर, ये जहाँ से हम एंटर हुए वहाँ से लेकर ये हमारी लेफ्ट वाली जगह जो है नज़र आ रही है वीडियो में, ये सारी वही जगह है सर जो उनके पास है। ये तकरीबन कोई 19 कनाल वो बता रहे थे कि 19 या 20 कनाल उनके पास है, जिसमें से एक पीस कॉर्नर वाला बनता है, बाकी वो एक शुरू वाला कॉर्नर पीस बनता है सर। ये कॉर्नर पीस जो है ना सर, ये वो देना चाह रहे हैं सर। ये देखिए अब हम यहाँ पर आए हैं, ये अंदर से बड़ा पुरसकून है सर सारा सिलसिला। ये देखें, ये वहाँ से हम एंटर हुए हैं सर उस गेट से, तो ये यहाँ तक कॉर्नर का पीस पूरा इनका है सर। ये आगे ऐसे जा रही है, ये जो ग्रीन लैंड है ना सर जिस आदमी की, ये आगे वाली जगह भी सारी उसी की है। मैं थोड़े से आपको आगे जाके भी दिखा देता हूँ, उसने थोड़ा फार्मिंग वगैरह की है, लोग कहते हैं उसने फलों फूलों के पौधे वगैरह कुछ लगाए हैं, कुछ सब्जी वगैरह वो यहाँ पे काश्त वगैरह कर लेता है कुछ उसकी अपनी, तो ये कुछ जगह ओपन यहाँ पर रखी हुई है उसने, यहाँ पर ये सब्जी वगैरह जो है ना ये लगाता है, खेती बाड़ी वगैरह कुछ करता है सर यहाँ से। मुलाजमों की रिहाइश उसने बनाई सर यहाँ से।